2.8 in today's revised list of business. Thank you. माननीय सदस्यगण, आगे जो भी वक्ता माननीय सदस्य जो जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उस पर बोलना चाहते हैं उनके लिए समय 2 मिनट का है। माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। उपसभापति महोदय जी, राजनेता हम सब कार्यकर्ता है राजनीति में, मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड अंडररेटेड एक्टिविटी है, ऐसा मुझे कैटेगरी है ऐसा लगता है। लेकिन कौन होता है कार्यकर्ता? दूसरे के दुख कम करने के लिए जिसको खुद काम करने की इच्छा होती है वो होता है सार्वजनिक कार्यकर्ता। और मुझे तो बहुत अच्छा भाग्य मिला, मेरे पिताजी पत्रकार थे, हिंदू महासभा का काम करते थे तो घर से ही था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें देश के लिए काम करना है जिंदगी भर ये कहा, तो वो हमारी प्रेरणा है। फिर विद्यार्थी परिषद के दिनों में हमने अटल जी आडवाणी जी के भाषण सुने और कैसे छूट गया, पूरा विचार पढ़ लिया दीनदयाल जी का तत्व ज्ञान को, या दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी बहुत बार मिलते थे तो मैं बात करता था पुणे में उनके साथ, तो वो भी एक हमारा आधार था। इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर जेल में गए तो वहां संघ के सरसंघचालक देवरज जी के साथ 16 महीने हमने सीखा बहुत। मुझे अच्छा लगता है कि अयोध्या में जो संघर्ष हुआ तो मोरोपंत पिंगले जी 84 में मेरे घर भी आए थे, तब उन्होंने ये कल्पना बताई कि क्या आंदोलन है कैसे होगा, और उसके बाद 90 के आंदोलन में भी और 92 के 6 दिसंबर को भी मुझे वहाँ उपस्थित रहने का, पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य मिला। वहाँ जो ऑडियंस था उनके सामने भाषण करने का भी, क्योंकि मैं युवा मोर्चा में काम कर रहा था तब। राज्य विधिमंडल में भी काम करने का सौभाग्य मिला और केंद्र में भी मिला, और मोदी जी के साथ 7 साल मंत्री पद का भी। आखिर हम राजनीति में काम क्यों करते? समाज का कुछ भला हो। समाज का भला का केवल एक उदाहरण 2-3 वाक्यों में बताऊंगा। मैं डिफेंस कमेटी में था, जहां भी जाता था तो सारे सीमा पर सारे चाइना के रोड अच्छे हमारे बुरे, क्यों? पर्यावरण की परमिशन नहीं। फिर जहां जहां भी गए, अंडमान में गए, एयर स्ट्रिप बढ़ाने को परमिशन नहीं, फ्लाईओवर करने को परमिशन नहीं, मिसाइल दागने का जो स्टेशन था उसके लिए भी परमिशन नहीं, कारवार में इसकी भी परमिशन नहीं थी जो सबमरीन का पूरा नया बंदरगाह बनाना था उसको भी परमिशन नहीं दी थी 3-3 साल। तो मैंने एक ही मिनट लेता, जैसे हम मंत्री बने मैंने सारे पेंडिंग डिफेंस प्रोजेक्ट्स को पहले दिन मंगाया और 1 महीने में चर्चा करके सभी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने जनरल अप्रूवल दे दिया और आज सारे रोड्स वगैरह अच्छे हो गए। तो हम जब सत्ता में जाते हैं तो वो भी काम कर सकते हैं। अंत में 1971 में मैंने रामभाव महालगी के पार्लियामेंट चुनाव में काम किया, पहले 71 में, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।